ऊपर परो हाकिम हुकुम बताई ओकर नाम गरगट होके अन्न पानी अकारत होके जमाई मधु के उ एजा से उम्मीदवार दीपा माझी के बनौले बाड़े काले ओकर घोषणा भइल। जनसुराज के तरफ से जितेंद्र पासवान डॉक्टर हवे उनका के उम्मीदवारी दिया गई बा। तो CPIML के तरफ से रोशन राजेश माझी यानी एजा माझी बनाम माझी के लड़ाई में पासवान के उतारल गई बा। अगर उ सही बात तो कारण कि जौन हमारा भी सूचना आयल बा वो सूचना के हिसाब से प्रशांत किशोर रामगढ़ ना बल्कि एक ऐसा जगह बा जहाँ के उम्मीदवार तय कर दिले बाड़े और ओया खातिर उम्मीदवार के तलाश कर रहा बा। एसके सिंह के उम्मीदवारी के लेकर के संशय के स्थिति बनल बा जौन कि रुआ लोग से बतौनी अब एजा कोनो कुशवाहा उम्मीदवार के तलाश चल रहा बा। यानी कि ये दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जौन भूमिहार कार्ड खेल ले बा वही दूसरा तरफ राजू यादव यादव कार्ड जो 14% सबसे ज्यादा जनसंख्या में वाला। गोड़ा लगा था नहीं हेरा से अभिनंदन बा खूटा ठोक परिवालों के बहुत बहुत अभिनंदन करता नहीं स्वागत करता नहीं। आज जो बिहार में 4 सीट के उपचुनाव बा उकरा संगे संगे आगे आवे वाला बिहार के भविष्य और यह चुनाव पर कितना निर्भर करता है। चुनाव के परिणाम का हुई उ वोटिंग से पहले ही लगभग क्लियर हो गई बा उ सब रुवालों से बतियाई। एक संगे संगे झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य में चुनाव के घोषणा हो चुकल बा। ये सब बात रुवालों के पता बा लेकिन हम कहे जो नाइल बनी वो बहुत विशेष बात बा और विशेष बात बा कि उम्मीदवारी के घोषणा के बाद अब एजा लड़ाई जौन बा उ साफ साफ नजर आवे लागल बा। जमीन पर रुआ जाई रुआ जौना क्षेत्र में रही ले रुआ हर क्षेत्र में तो जा ना सकीले तो ओकर माध्यम हमनिये के बानी जा और हमनी के जब रुआ के जगह पर जाके बताइब जा समझाइब जा तो रुआ लोग के समझ में आवे लगी कि आखिर ये मामला बा कहाँ। ये मामला के लेकर के दो चार गो बात बहुत महत्वपूर्ण बा। महत्वपूर्ण ऐसे बा कि दोनों गठबंधन के जहाँ लिटमस टेस्ट बढ़ुए उ लोग के उल्टा गिनती शुरू हो गई बा। कारण कि जब आम चुनाव हुई तो वो चुनाव खातिर भी तैयारी शुरू हो गई रहा। 2024 के लोकसभा के जैसे ही परिणाम आई ओकरा बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव के काउंटडाउन शुरू हो गई रहे। लेकिन ये बीच में ये 4 सीट के जन उपचुनाव रहे एकरा बारे में भी कहल जात रहे एकरा में देरी जन होत रहे ओकरा के लेके भी कहल जात रहे कि चुनाव हो सकेला कि मुख्य चुनाव के साथ ही होके। लेकिन अभी बुझा गई कि चुनाव टटका ना हुई तत्काल ना हुई। बाकी एक बात तो तय बा कि टटका यह बात के फैसला जरूर हो जाई और एक साल के समय मिली ये सब लोग के आपन आपन शक्ति के और ज़्यादा बेहतर करे के प्रदर्शन करे के और शक्ति संचित करे के। कारण कि 12 महीना में बिहार के जनता चेक करके देख ली कि केकरा में कितना ताकत बा और अब ही है जेकरा के ताकतवर समझी ओकरा के वोट दी है। जाति और अन्य बंधन से अलग हालांकि सब कुछ के तैयारी चल रहा बा लेकिन यह दोनों गठबंधन के बीच में प्रशांत किशोर के एंट्री ओकरा के रुआ नज़रअंदाज ना कर सकीले। प्रशांत किशोर करी है का वो अलग बात बा लेकिन जौन वर्तमान परिस्थिति बा कि वोटिंग से पहले ही जौन रिजल्ट आउट होके के बात रुआ लोग से कहता नहीं ओकरा में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट पर अभी तक ले डाउट बा। कारण कि एक कैंडिडेट में से टेस्ट ट्रायल लोग नहीं खे हालांकि इनमें कुछ लोग बा जौन कि पहले चुनाव लड़ चुकल बड़ू लेकिन कुछ लोग तो ऐसा बा कि उनका चुनाव का होला इहो पता नहीं खे। इनमें सबसे बड़ जो डाउट बा ओकरा बारे में रुआ लोग बताई कि बड़ा खेल होखे वाला बा। प्रशांत किशोर उम्मीदवार के तो घोषणा तो कह दिले पहले लेकिन नॉमिनेशन फाइल होके से पहले अभी बहुत खेल होना बाकी बा। एकरा साथ साथ बुझाता कि जौन खेल होई ओकरा में चुनाव से पहले ही वोटिंग से पहले ही केहू हँसी या केहू रोई। कारण कि रिजल्ट तो पहले ही आउट हो जाई। अब एकरा के हिगरा हिगरा के बोले से पहले 4 लाइन बा जौना के रुआ लोग बता देता नहीं बहुत पहले लिखले रही और यही सब समय खातिर लिखले रही जौना में 5 खातिर वादा करके जौन लोग रुआ लोग सामने आवेला अब कि तो 12 महीना खातिर वादा करके लोग आई कि हम बहुत कुछ बदल दे। उस बदलाव में का बदल बा का नहीं के बदलल और वह वोट के बाद रहा और का दुर्गति होला ओकरा विषय में हम लिखले रही कि ऊपर परो हाकिम हुकुम बताई जाओ ओकर नाम। ऊपर परो हाकिम हुकुम बताई ओकर नाम गरगट होके अन्न पानी अकारत होके जमानी। लइकन के रुआ देखले हो कब कि नौकरी चकरी के अभाव में बेरोजगारी के दंश झेलतरन और जमानी उनकर ईंटा ढोए में माटी ढोए में दूसरा राज्य में जाके वो या लात जूता खाए में
बीत जाते हुए। मुर्दा पके लकड़ी खींचे मारी पनही सड़क बीचे। ऐसा लोग जौन की हालांकि इतनी कड़ा शब्द बा लेकिन वादा करके वादा खिलाफी करे वाला के छोड़े लायक नहीं है। कारण कि सबसे बड़ बा कि अबोध बच्चा के अगर कोई ओकरा संगे कोनो गुनाह करे तो बहुत बड़ा गुनाह होला जना कि केहू माफ ना कर सकेला। वैसे ही आम जनता अबोध बच्चा के तरह बा जौन अपन पूरा मुस्तकबिल यह राजनीतिक लोग के हाथ में दे के 5 साल खातिर चुन लेला कि हमार दिन दुनिया बदली। हमनिये के खा के मोटाए पाड़ा नियर पसरल बा। हमनिये के खा के मोटाए पाड़ा नियर पसरल बा। ऐसन हाकिम के दुत्कारी नहीं तो उनकर भूत भविष्य बिगाड़ दी। ऐसन हाकिम के दुत्कारी आ ना तो भूत भविष्य बिगाड़ी। एकर मतलब बा कि एक हाली रुआ लोग के सब कुछ छोड़ छाड़ के आवे वाला भविष्य खातिर ओकरा खातिर सोचल जरूरी बा। अब जौन की 4 सीट पर चुनाव बा ओकरा में उम्मीदवार के दोनों तरफ से घोषणा हो गई बा और प्रशांत किशोर भी कमो बेस अपन उम्मीदवार के घोषणा कर देले बाड़े। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होत अभी तक ले दिखाई देता। प्रशांत किशोर कितना ओकरा में प्रभाव डली हैं ये आवे वाला वक्त बताई। वर्तमान जौन परिस्थिति बा ओकरा में बेलागंज के बात करी तो एकरा के सुरेंद्र यादव के गढ़ मानल जाला। रुवाला के पहले बतौले रहें कि वह सुरेंद्र यादव जौन की अब के लोकसभा के चुनाव जीतले है और यह ना जीतले है। इनका के 2020 में जिनका के हरैले रहन वह उनके पार्टी से यानी दू गो विरोधी एक ही पार्टी से लोकसभा के चुनाव जीत लड़ के आ दोनों जीत के आएल पड़े। जो विधानसभा हारल वो लोकसभा में जीतल। ये बिहार के जनता और लोकतंत्र के यह विशेषता यह खूबसूरती है। अब ओजा सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह के ओजा उम्मीदवारी मिलल बा। तो दूसरा तरफ से मनोरमा देवी के उम्मीदवारी के बात कही जा रहा बा कि एजा से मनोरमा देवी चुनाव लड़ी हैं जौन की MLC रही है और जिनका बारे में पहले से वीरवालों के चर्चा कर ले रही। हाल ही में उनका ED-UD के छापा ऊपर पड़ रहा। ये सब बात से दिगर जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कोनो तरह के गुरेज नहीं करत तो जदयू का है गुरेज करी। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहल जाला कि वो बड़ी साफ सुथरा हुए। ED के छापा पड़ला से का हुई। ED का तो छापा ढेर लोग पर पड़त रुए। ED के छापा पड़ल लालू प्रसाद की हाँ चारा घोटाला में लालू प्रसाद जेल गईले सजा भइल। नीतीश कुमार उनका संगे रहलन कि ना रहलन। तो नीतीश कुमार कहे सुने के बात अलग बा और करे वाला बात अलग बा। आज भले वह नीतीश कुमार उनका संगे दूदू वाली सत्ता में गईले आज कहता रहे कि उ सबके संगे दूदू बार गए लेकिन बदला नहीं सब। अरे भाई बदले खातिर ठीका ले पड़ो लेकिन सत्ता बचावे खातिर अपन कुर्सी बचावे खातिर ये राजनीति में चलेला कोनो एक खातिर बहुत बड़का बात नहीं है। नीतीश कुमार जीत हार के फैसला होके एकरा खातिर मनोरमा देवी के चूंकि मजबूत कैंडिडेट बाड़ी ये चलते उनका के दिले बाड़े। तो ओजे बड़ा ट्विस्ट ले आकर के खड़ा कर दिले बा जनसुराज। ओजा से खिलाफत हुसैन के उतार के बेलागंज से ये लड़ाई के बहुत मजेदार बना दिले बा। खिलाफत हुसैन साफ सुथरा छवि के और प्रोफेसर हमन तो रुआ समझते बानी कि लैका लैका के माई लैका के बाबूजी लैका के भाई जे जे वोटर बा सब उनका से जुड़ल बा। कारण के शिक्षक से तो लगभग सभे लोग जुड़ल रहेला और खास करके वो समाज से आवत रहे मुस्लिम समाज से जौन समाज के वोट हो जा बहुत बड़ा संख्या में बा निर्णायक भूमिका में बा। यानी 60 हज़ार से लेकर 65 हज़ार के बीच में बा। यादव के भी संख्या करीब 70 हज़ार के आसपास बा। एकरा अलावे आपस में ये दोनों आदमी लड़ता है तो MY समीकरण पर विशेष फोकस बा और वो समीकरण के साथ अगर प्रशांत किशोर के लह गई तो एजा के खेल बदल सकेला। यानी कि प्रशांत किशोर पर एजा डाउट नहीं है। डाउट कहाँ बा उर्वलों के बताई। एजा प्रशांत किशोर लड़ाई में बाढ़े। कारण कि जौना तरीका से वो हैंडल कैले उम्मीदवार चयन में उनका जम के विरोध भई रहे दूसरा कोई के खड़ा कैल चाहत रहे एगो पक्ष लेकिन प्रशांत किशोर अड़ गई कि लड़ी हैं तो खिलाफते हुसैन लड़ी हैं। एकरा अलावे इमामगंज चली रिजर्व सीट बा। एजा से जीतन राम माझी अपना बहू के यानी पुत्रवधू के उ एजा से उम्मीदवार दीपा माझी के बनौले बाड़े। काले उकर घोषणा भइल। जनसुराज के तरफ से जितेंद्र पासवान डॉक्टर हवे उनका के उम्मीदवारी दिल गई बा। तो CPIML के तरफ से रोशन राजेश माझी यानी एजा माझी बनाम माझी के लड़ाई में पासवान के उतारल गई बा। और खास करके उपासवान जब डॉक्टर होके
टरुआ जिम्मेवारी और समझ सकतानी। हालांकि राजनीति में शिक्षा दीक्षा ये सब अलगे चीज बा, ओमे जाति पाति विशेष रूप से देखल जाला और यो देखल जाला कि के का कितना प्रगति करी। अब ए बात के लेकर के अगर वोट हुई तो निश्चित रूप से एहिया के लड़ाई भी प्रशांत किशोर अजुरा दिले बड़े, यानी एहियो कोनो तरह के डाउट नहीं खे कि प्रशांत किशोर टक्कर ना दी हैं। अब आगे जौन होखे लेकिन जौना तरीका से वो मेहनत करता रहे और उनकर पूरा टीम लगभग अब तक हमारा 20-25 लोगों से बातचीत भइल, उ सब लोग ये चारों क्षेत्र में छापामारी करे खातिर जातीय समीकरण बैठावे खातिर और जैसे भी जीत होके ओकरा खातिर पूरा दमखम लगा दिले बड़े। कारण कि रुआ बुझत हिनु कि प्रशांत किशोर माने जान बुझ के दरियाओं में सुनामी में कूदल बड़े, उनका मुख्य चुनाव में उतरते तो उनका अभी तक ले सब कुछ बाचल रही, लोग के जो भ्रम रहे वो भ्रम बनल रही। लेकिन हो सकेला कि यह चुनाव में या तो प्रशांत किशोर के आ ना तो लोग के भ्रम टूट जाए। बहुत लोग दाव पर रहे कि प्रशांत किशोर 2025 के जब मुख्य चुनाव हुई आम चुनाव हुई तो ओकरा में कैसन प्रदर्शन करिए, ओकर जोड़ घटा होत रहे, एक साल के बाद का हुई ओकर जोड़ घटा होत रहे। लेकिन प्रशांत किशोर यही चुनाव में उतर के उपचुनाव में और अपना के प्रमाणित करे और अपन सिक्का स्थापित करे खातिर तैयारी के लिए बढ़े। ये चुनाव में उनका प्रदर्शन ये बात के निर्धारण करी कि उनका पर डाउट बा कि नहीं खे। बात आगे अगर करी तरारी के एजा मामला अटकल बा, एजा के बात हम बताई एक पहले रुआ के बता दी कि रामगढ़ में प्रशांत किशोर अभी तक ले उम्मीदवार के नाम घोषित नहीं कैले, रात बिरात कबहू कर सकेले। उम्मीदवार लगभग जौन बताओ तन जा अब तक ले जितना उम्मीदवार तय भइल बड़े ओमे से एने ओने तनिको निके भइल, एगो खाली यह डॉक्टर साहब वाला जितेंद्र पासवान वाला जौन रहे वो हमनी के थोड़ा सा ओकरा पर विशेष ध्यान ना देनी जा। जितेंद्र पासवान के नाम छोड़ के बाकी सारा नाम जो नजर आवत रुए सब नाम हमनी के पहले ही रुवालों के बता दिले रही, चाहे वो भारत लाइव पर होके पंचनामा पर होके या खूंटा पर भी रुवालों के बता दिले रही संभावित उम्मीदवार के हम नाम। अब जौन स्थिति बा कि रामगढ़ के बात करी तो रामगढ़ में उम्मीदवार तय हो गई बड़ा या अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी से बड़ा, जिनका के पिछला हाली तीसरा नंबर पर ठेल दिले रहे राष्ट्रीय जनता दल और बसपा मिल के। राष्ट्रीय जनता दल और बसपा के बीच में लड़ाई भई रहे, बसपा भी उम्मीदवार अपन नहीं खे तय कैले आ ना जन स्वराज अपन नाम उम्मीदवार तय कैले बा। लेकिन RJD अजीत कुमार सिंह जौन कि जगतानंद सिंह के पुत्र हवे और सुधाकर सिंह के भाई हवे, जिनका बारे में रुअल से पहले बतौले रही, अशोक सिंह के बारे में भी पहले बतौले रही कि या के जमल जमावल मजल खिलाई बा राजपूत वोटर या निर्णायक भूमिका में होले। जगतानंद सिंह के या से 6 बार जीते के जो रिकॉर्ड बा उस सारा चीज़ देखते हुए जगतानंद सिंह के पुत्र के या से दिहल गई बा और जगतानंद सिंह के ई मानल बा कि उनका पार्टी में बाड़े और ज्वाइन कैले रहन तो घड़ी बात का चर्चा में आ गई रहे। अब ये लड़ाई में जनसुराज केकरा के उतारत हुए, कारण कि 3 गो नाम देला के बाद एक जगह झटका लगल बा, उ झटका के भी बारे में रुआ के बताओ तनी हम। उ झटका के लेकर के बहुत सोच समझ के ठोक बजा के हड़बड़ी में कोनो फैसला नहीं लिहल चाहत जनसुराज। प्रशांत किशोर से एगो बड़का गलती हो गई बा अगर उ सही बात तो, कारण कि जौन हमारा भी सूचना आइल बा वो सूचना के हिसाब से प्रशांत किशोर रामगढ़ ना बल्कि एक ऐसन जगह बा जहाँ के उम्मीदवार तय कर दिले बाड़े और ओहिया खातिर उम्मीदवार के तलाश कर रहल बाड़े। ओकरा पीछे के कारण रुआ के बताओ तनी, जौन में डाउट के बात कहनी है और हंसे रोए के बात जौन कहनी है, ओकरा में तरारी सीट बा। तरारी सीट में CPIML के तरफ से यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से राजू यादव के नाम जौन की पहले रुआ लोग बता दिले रही, रुआ भारत लाइव भी देखी ले, पंचनामा भी देखी ले, खूंटा ठोक भी देखी ले, भारत लाइव बिहार झारखंड भी देखी ले। ये बात के हिगरा हिगरा के बता दे कि राजू यादव के अब के लिए टिकट मिल ही के रहे और उनका टिकट मिलल बा। दोसर का तरफ BJP से जब पिता पुत्र ज्वाइन कैले रहे लोग सुनील पांडे और विशाल, तो वो घड़ी भी तय हो गई रहे कि इनमें से दोनों में से एगो कोई लड़ी चुनाव, यानी विशाल पर ही ज़्यादा रहे, कारण कि भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे से ज़्यादा युवा लोग पर भरोसा करी और विशाल के वजह से टिकट मिली। हालांकि उनकर पत्नी भी वजह से चुनाव लड़ चुका रही सुनील पांडे के, लेकिन चुनाव हार गई। अब विशाल पर पूरा फोकस बा, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा NDA उनका साथे चुनाव में लड़ी, एक अलावे भी और बहुत सारा समीकरण रहे जो बतौले रही कि एजा सीधा लड़ाई जौन भारतीय जनता पार्टी और CPIML से बा। लेकिन एजा जनसुराज जनरल SK सिंह के नाम दिले रहे, उकरा में जौन सूत्र से हमारा खबर मिल रहा बा कि SK सिंह के वजह से उम्मीदवारी कैंसिल हो सकेला। कैंसिल काहे हो सकेला तो कहल ही जा रहा बड़ू है, अभी तक जौन सूचना बा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज
तरारी खातिर नया उम्मीदवार के तलाश शुरू कर दिले बा और ओकर तलाश ऐसे शुरू हो रहा बा कि ओइजा एसके सिंह के बिहार में वोटर लिस्ट में नाम अब तक नहीं खे जुड़ल, उनका नाम बिहार में नहीं खे। जौन सूत्र बतौले हा उस सूत्र भी ओइजा के दावेदार हवे और उनका तरफ भी से भी बात कहल जा रहा बा कि प्रशांत किशोर बड़ा पेच में फंस गई बड़े और ये वो डाउट बा जौन की अब तक क्लियर नहीं है भाई। ये डाउट हमरो लगे बा, अभी कोई ऑफिशियल हमरो लगे जानकारी नहीं है, लेकिन एसके सिंह के उम्मीदवारी के लेकर के संशय के स्थिति बनल बा जौन की रुआ लोग से बतौनी। अब यहीजा कोनो कुशवाहा उम्मीदवार के तलाश चल रहा बा, यानी कि ये दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जौन भूमिहार कार्ड खेल ले बा, वो ये दूसरा तरफ राजू यादव यादव कार्ड जो 14% सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ उनकर कार्ड खेल ले बा, CPIML बढ़ले बा, ओकर साथ साथ ओजा गढ़ भी रहल बढ़ुए वामपंथ के, एकरा अलावे विशाल के खड़ा करके सुनील पांडे भी अपन शक्ति के परीक्षण करिए, तो ऐसन में कुशवाहा उम्मीदवार के खड़ा करे के प्लान बन रहा बुढ़ुए और कुशवाहा उम्मीदवार जो पढ़ल लिखल होके योग्य होके सक्षम होके ओकरा के तलाश चल रहा बा। कितना सच्चाई बा इरुआ 12 घंटा के अंदर में पता चल जाई, कारण कि धीरे धीरे करके जौन नॉमिनेशन के समय बा उ बीतल जाता, काउंट डाउन शुरू हो गई बा। अब ऐसा स्थिति में जौन सुराज अगर उम्मीदवार बदले के जरूरत महसूस होता कोनो ऑफिशियल कोनो संवैधानिक कारण से, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के जौन ट्रेनिंग बा वो ट्रेनिंग पर एगो क्वेश्चन मार्क जरूर लागी। इतना चुनाव जीतावला के बाद भी अगर प्रशांत किशोर से ऐसा छोट मोट गलती हो गई कि जौन कैंडिडेट वो अनाउंस कैले घोषित कैले वो कैंडिडेट के नामे दर्ज नहीं के, तो का जाँच पड़ताल भई रहे। ये तो सबसे जरूरी चीज़ नहीं रहला कि रुआ उम्मीदवार बने से पहले राउर कागज पत्र और राउर जो जनकुंडली बा उस सही होके चाहिए। खैर ये सारा बात के लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनल बुड़ुए ओकरा में कहीं ना कहीं वोटिंग से पहले ही रिजल्ट आउट होके यानी त्रिकोणीय मुकाबला में ई कहल बड़ा मुश्किल हो गई बा के जीती के हारी, और एकरा के लेकर के जौन वर्तमान परिस्थिति बा उ 23 तारीख के जब खुली तो सबके पता चल जाए के जीतल के हारल के हँसी या के रोई। खुटाठोक में रुआ लोग से ये विदा लेतनी, बाकी के खबर भारत लाइव बिहार झारखंड पर जारी रही। खुटाठोक के रुआ लोग जिसने दुलार प्यार देतनी उसे ही देत रही सब है, तो हमरो मन करी रुआ लोग के संगे आगे आगे बढ़े के, खास करके भारत लाइव बिहार झारखंड के रुआ लोग के बनावल चैनल है एकरा के अधिक से अधिक हित नाता गोतिया पटीदार संगी सले साझा करी और कहीं कि एकरा के सब्सक्राइब करी सब है गोर लगातनी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।